जो भी सोच के जाती हो ना उससे हमेशा इट इज ऑलवेज ऑपोजिट. तो आप कुछ ऐसे प्लान नहीं करके जा सकते कि अच्छा मैं बाहर से एक प्लान बना के चली जाती हूँ कि अंदर जाके मैं ऐसे ऐसे करूँ. पॉइंट ऑफ टाइम अभिषेक का एग्जिट हो गया था उडारिया से एंड आई वाज स्टिल देयर इन उडारिया. सो अभिषेक शिफ्टेड टू बॉम्बे और उसकी वजह से थोड़ा से लैक ऑफ कम्युनिकेशन प्लस डिस्टेंस भी हो गया. कोई ऐसा झगड़ा वगैरह कुछ नहीं हुआ था. जो छोटी मोटी यार ह्यूमन नेचर होता है, बहुत ज्यादा किसी के साथ रहने लगते हो ना तो थोड़ी बहुत ऐसे खटपट होने लगती है जो नॉर्मल है. मेरे को तेरा ये बात पसंद नहीं आ रहा, मुझे तेरा ये नेचर पसंद नहीं आ रहा है. एंड आई एम अ गर्ल हु इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर आप मुझे नहीं पसंद होगे तो आप नहीं पसंद हो यार. आई हैड अ कन्वर्सेशन विद प्रियंका, शी टोल्ड मी आई एम गोइंग टू एंजॉय इट और अच्छा रहेगा सब. बस तू ज्यादा सोच मत एंड डोंट प्लान एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज़ व्हाटएवर यू आर गोइंग टू प्लान इज नेवर गोइंग टू हैपन व्हेन यू गो इनसाइड. हेलो एवरीवन, दिस इज आईना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड. मेरे साथ है बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट ईशा. हाय, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड. प्रेपरेशंस कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी और बहुत हेक्टिक. बहुत हेक्टिक. मैंने ना जब OTT के लिए बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स से बात की तो काफ़ी कंटेस्टेंट्स का ये मानना था कि बिग बॉस में एक डर रहता है कि या तो आप बहुत अच्छे बन के घर के बाहर आओगे या तो you know there's an image जहाँ पे people will not like you as much. उस चीज़ का डर है. यार मैंने कभी भी ऐसा कोई भी contestant नहीं देखा है जिसको कोई negative comments नहीं आए हो. So this दुनिया ना, this world is divided into two people, positive people and negative people. और negative people का margin बहुत ही ज़्यादा high है. So no matter what you're doing, आप अच्छा करो तभी भी आपको गालियाँ पड़नी है, आप गंदा करो तभी भी आपको गालियाँ पड़नी है. So what matters is आप जहाँ जा रहे हो, जिस purpose के लिए जा रहे हो, वहाँ अपना best दो, बाकी सब भगवान के भरोसे देखा जाएगा. आपको क्या लगता है कि आप गेम और स्ट्रैटेजी दिमाग में रख के जाने वाले हो और आर यू गोइंग टू गो विद द फ्लो? नो यार, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गो विद द फ्लो क्योंकि ना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. आप जो भी सोच के जाते हो ना उससे हमेशा इट इज ऑलवेज ऑपोजिट. तो आप कुछ ऐसे प्लान नहीं करके जा सकते कि अच्छा मैं बाहर से एक प्लान बना के चली जाती हूँ कि अंदर जाके मैं ऐसे ऐसे करूँगी. अभी मुझे कुछ नहीं पता मुझे कौन लोग मिलेंगे, मुझे क्या टास्क मिलेंगे, मैं कैसा करूँगी, मेरे कैसे इमोशंस होने वाले हैं, मेरी क्या पर्सनैलिटी लोगों को दिखेगी. सो राइट नाउ आई कांट डिसाइड एनीथिंग. बट एक चीज हाँ, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस. मतलब जो उस वक्त मेरे मुझे एक बात बताइए, क्या आपने यू देर आर रूमर्स दैट इवन अभिषेक इज यू नो एंटरिंग द बिग बॉस हाउस, आपका रिश्ता उनके साथ कब शुरू हुआ? या सो बेसिकली अभिषेक एंड मी वी मेट ऑन सेट्स ऑफ उडारिया पहले से भी बिकॉज वी वर इन्फ्लुएंसर्स. तो थोड़ा बहुत ऐसे जानते थे बट प्रॉपर हमारी जो फ्रेंडशिप हुई वो उडारिया के सेट पे हुई थी. देन ग्रेजुअली वी स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स, वी स्टार्टेड मेकिंग इंस्टाग्राम रील्स टुगेदर बिकॉज पीपल लाइक आवर जोड़ी. मतलब पसंद कर लेते क्या, बिकॉज ऑन स्क्रीन वी वर अ कपल. मतलब ऑन स्क्रीन हम दोनों की शादी हो रखी थी, हस्बैंड एंड वाइफ. सो इट वॉज गोइंग रियली ग्रेट. और फिर उसके बाद देन आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम अभिषेक का एग्जिट हो गया था उडारिया से एंड आई वाज स्टिल देयर इन उडारिया. सो अभिषेक शिफ्टेड टू बॉम्बे और उसकी वजह से थोड़ा से लैक ऑफ कम्युनिकेशन प्लस डिस्टेंस भी हो गया. सो इतना टच में नहीं रह पाते थे बट देन टू हाई हेलो चालू रहता था. एंड नाउ आई एम गेटिंग टू नो दैट ही इज आल्सो गोइंग. अभी तक मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है उससे कि जा रहा है कि नहीं जा रहा, बट या if he's coming then I'm excited to meet him and I'm happy that okay मतलब किसी को मैं जानती हूँ आ रहा है. वो ऑन स्क्रीन लव ऑफ स्क्रीन लव में कब बदला? नो, इट वॉज नेवर ऑफ स्क्रीन लव एज सच. मतलब कभी ऐसा नहीं था क्योंकि होता क्या है ना कि लोगों को हम भाई एक्सप्लेन कर करके थक जाते कि अरे नई है रिलेशनशिप में. जस्ट यू कैन जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ प्रियंका एंड अंकित. तो अभी वो जैसे लोगों को एक्सप्लेन करके परेशान हो जाते कि नहीं यार हमें पता है ना फीलिंग्स क्या है, कि हमें पता है दैट वी आर फ्रेंड्स. आपको जोड़ी अच्छी लग रही है दैट डजंट मीन कि आप उसको वर्ड करके रख दोगे कि ओके नाउ वी आर डेटिंग. सो दैट इज नॉट ट्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल सो सेफ टू से दैट यू ऑल वर नेवर इन अ रिलेशनशिप? नो, वी वर नेवर डेटिंग. सो या अभी बहुत मेरे से ये सवाल इतना ज्यादा हो चुका है एंड आई एम वेरी श्योर कि अभिषेक से भी बहुत ज्यादा हो चुका होगा. तो वो भी यही, मैंने जितने भी उसके इंटरव्यूज देखे थोड़े बहुत, वो भी यही आंसर कर करके परेशान है. फ्रॉम वेयर यू ऑल आर गेटिंग दोस न्यूज एंड एवरीथिंग कि ऐसा था वैसा था. बट या आई एम एक्साइटेड टू सी अभिषेक क्योंकि आप जब किसी को बाहर से ऐसे जानते हो या साथ में काम कर रखो फिर अंदर जाके मिलते हैं तो इट इज एक्साइटिंग आई थिंक. तो आपको क्या लगता है वो कहीं ना कहीं घर में आपका सहारा बनेंगे और इज ही गोइंग टू बी समवन?
जिसके साथ थोड़ी यू नो इट्स नॉट द बेस्ट रिलेशनशिप सो यू डोंट नो कि कैसा होने वाला है एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ. हाँ हाँ एग्जैक्टली. सो मैं अभी तो ऐसा हो गया ना मेरा कि आई कॉन्ट ट्रस्ट एनीबडी, मतलब मैं किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकती और इजिली तो बिल्कुल नहीं कर सकती कि ऐसा अच्छा चलो एक दो दिन पहले मिले तुम मेरे बहुत सगे दोस्त हो गए. सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. और अगर मैं दोस्त बना रही हूँ तो फिर आप मेरे लाइफ टाइम दोस्त रहोगे. आई कॉन्ट ब्रेक फ्रेंडशिप्स लाइक दैट अनटिल एंड अनलेस आपकी तरफ से या मेरी तरफ से कुछ गलत ऐसा स्टेप आ रहा हो. तो मुझे लगता है कि यार लेट्स सी. और मैं एकदम से तो किसी पे ऐसे विश्वास नहीं करने वाली हूँ डेफिनेटली घर के अंदर जाके, बट आई रियली होप कि मैं वहाँ जाके नए अच्छे लोगों को मिलूँ और नए दोस्त बनाऊँ. बहुत क्यूरियोसिटी है. कभी आपका अभिषेक से झगड़ा हुआ था कि आप बैड टर्म्स में, आज आप दूसरे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो? व्हाट एक्चुअली हैपेंड? नो, कोई ऐसा झगड़ा वगैरह कुछ नहीं हुआ था. जो छोटी मोटी यार ह्यूमन नेचर होता है, बहुत ज्यादा किसी के साथ रहने लगते हो ना तो थोड़ी बहुत ऐसी खटपट होने लगती है जो नॉर्मल है. मेरे को तेरा ये बात पसंद नहीं आ रहा, मुझे तेरा ये नेचर पसंद नहीं आ रहा है. एंड आई एम अ गर्ल हु इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर आप मुझे नहीं पसंद होगे तो आप नहीं पसंद हो यार, उसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं. मेरे अपने ओपिनियन है, मेरे अपने थॉट्स है, तो मैं किसी के लिए अपने थॉट्स को सप्रेस कभी नहीं करूंगी कि चल यार इसको नहीं पसंद आ रहा है तो मैं नहीं बोलती हूँ. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल. मतलब आप मुझे अपने साथ ऐसे दबा के नहीं रख सकते हो. मेरे जो ओपिनियंस होंगे, मेरी जो बातें होंगी, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. बिल्कुल. तो इसी बात पे कभी कभी हो जाता था हमारा कि नहीं यार तुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है पर ऐसा नहीं है. फिर देन आई यूज्ड टू से कि अरे नहीं यार मुझे लग रहा है, मैं तो अपना ओपिनियन दूंगी. इफ यू डोंट लाइक इट यू ऑल्सो सेड, इफ यू लाइक इट दैट्स योर प्रॉब्लम. तो वही छोटी मोटी चीज होती थी, बट एज सच कोई ऐसा झगड़ा तो नो. आई एम क्यूरियस क्योंकि आज अगर हम अब वील स्पीक टू यू आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आई वॉन्ट टू सी वो ओपिनियन कितना चेंज होगा और कितना चेंज होगा. अभी भी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ. ऐसा भी हो सकता है कि अभिषेक और मेरी एक बहुत अच्छी बॉन्ड निकल के सामने आए फ्रॉम बिग बॉस, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बिल्कुल दुश्मन आ जाए. ऐसा भी हो सकता है कि हम नॉर्मल टर्म्स पे हो, कि नॉर्मली हाय हेलो भी था बट दूसरे ग्रुप के थे या फ्रेंड्स अलग अलग थे. सो या एनीथिंग कैन हैपन. हैव यू ट्राइड फाइंडिंग आउट कि आपके साथ कौन कौन है, कौन कौन जा रहा है? यार नहीं, आई हैव नॉट ट्राइड फाइंडिंग आउट, क्योंकि आधे से ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स पे मैं इतना भरोसा करना जरूरी समझती नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं होता कि क्या एक्चुअली है रियल या क्या नहीं है. सो लेट्स सी. मुझे अभी तक थोड़े बहुत ही लोगों के बारे में पता लगा है, बट दैट टू आई एम नॉट श्योर फॉर देम. सो ओके, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो दैट यू नो बिग बॉस के घर में कुछ लोगों के पास अपनी स्ट्रेंथ होती है और अपनी वीकनेस होती है. आपके हिसाब से आपके अंदर ऐसी क्या एक स्ट्रेंथ है विच विल रियली वर्क इन द हाउस, और एक वीकनेस जो आपको पता है कि आपको ये स्ट्रॉन्ग करके जाना है बिग बॉस के यार मुझे घर ऐसा जाने से पहले? बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड हूँ. तो अच्छी बात है. हाँ, सो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मी कि मैं बोल देती हूँ. मतलब अगर कोई भी हो सामने, कोई भी हो, मुझे अगर कोई भी बोले, मैं किसी का दिल रखने के लिए कभी कोई काम नहीं करती कि चल यार इसका दिल रख लेती हूँ, बोल देती हूँ ऐसे अच्छा ही लग रहा है. बिकॉज़ इफ यू आर नॉट सेइंग इट, समबडी एल्स इज गोइंग टू से इट फॉर श्योर. और तब तो उस इंसान को बुरा लगना ही है. तो आप अभी छुपा छुपा के क्या करोगे कि चल यार अभी नहीं बताती बाद में देखेंगे. सो आई थिंक आपको ना बहुत क्लियर होना पड़ेगा अपनी चीजों को लेके, अपने ओपिनियंस को लेके, यार नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ. As simple as that. और decision making is also very important in life. और जो negative चीज़ है वही यार कि थोड़ा मुश्किल है, कभी इतना दूर रही नहीं हूँ घर वालों से. So yeah. It is going to be a new journey for me and I'm going to miss everyone. Did you approach the Colors and the Viacom team or did they reach out to you? No, they reached out to me of course. तो तब reaction तो क्या ही होता, मतलब सब tell me in detail वो पूरा scenario, जब आपको call आया, घर पे क्या बात हुई, everything. Call आया कि करना है कि नहीं, और तब तक मैं उडारिया से भी फ्री हो चुकी थी. एंड आई सेड ओके, मतलब अब दिस टाइम तो अभी मैं अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दूंगी, तो ओके आई सेड ओके आई डू इट. उसके बाद लेकिन उसके बाद फिर मेरा मामला थोड़ा डाइस होने लगा कि यार भाई बिग बॉस ओके मैंने हाँ तो बोल दिया, बट नाउ इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. इट्स अ डिफरेंट शो. इट्स अ डिफरेंट शो एंड इट्स अ डिफरेंट थिंग. एवरीबडी इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, कैन फ्लिप योर लाइफ, कैन चेंज. मतलब कुछ भी हो सकता है, आप पॉजिटिव हो सकते हो, नेगेटिव हो सकते हो, मतलब एनीथिंग कैन हैपन. और जरूरी नहीं कि सब आपको पसंद करे ना. राइट, इट्स नॉट नेसेसरी. वो तो है, सब आपको पसंद करे. बहुत लोग होंगे ऐसे जो मुझे नहीं पसंद करेंगे, तो मेरे दिमाग में चल रहा था आई हैव टू कीप माई सेल्फ रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस, आई एम गोइंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस. तो फिर लेकिन माई पेरेंट्स वर देयर, दे सेड कि तू ये तेरा एक टाइम है तेरी जिंदगी का, यू गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज, गो फॉर इट, राइट आउट एंड यू विल एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स. सो दैट इज ऑल. सब कंटेस्टेंट का ना एक इंटेंशन होता है घर में जाने का. कोई जाता है करियर के लिए, कोई जाता है प्यार ढूंढने के लिए, कोई जाता है यू नो टू मेक कॉन्टैक्ट्स. What is your intention? My intention is just revealing my personality, revealing Isha's personality.
like how I am, how, what do I do, and what is my 24/7 routine. I know people to want me and I know people to connect with me because main koi na to main koi star kid hu aur na hi maine zyada kaam kar raha hai. I've just done one show. So main chahti hu ki log jane ki mere kya thoughts hain cheezon ko lekar ya main kaise cheeze dekhti hu, aur main ye bhi chahti hu ki sab mujhse connect kar paaye ki okay, matlab shayad ho sakta hai ki jo mere saath hua hai ya kuch bhi meri life mein jo ups and downs aaye wo shayad generally sare logon ke life mein aate honge ki ya kaam ko leke परेशान है या स्ट्रगल करना पड़ रहा है. सो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ कपल्स आल्सो जो सुनने में आए इस बार, उस पे क्या कहना है आपका? यार मुझे एक थीम सुनने में आई है कि कपल वर्सेस सिंगल है, बट लेट्स सी कि क्या होता क्योंकि कहीं ना कहीं हां दे हैव एन एडवांटेज क्योंकि उनके पास एक अपना है. यार आपके पास डेफिनेटली है लेकिन ट्रॉफी तो एक के पास ही जाएगी. वो तो है. So you have to compete also with your partner. Of course, you are indirectly you're competing with your partner. आप ये मत सोचो कि as a couple जा रहे तो show ही Big Boss colors versus border. Big Boss is not couple versus single. The theme is couple versus single. So मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसे सपोर्ट वाली बात है. मतलब हाँ आपको एक इमोशनल सपोर्ट की यार ये बंदा जो बाहर भी मेरे साथ है वो मेरे साथ अंदर रह रहा है. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट प्रूविंग योर सेल्फ वेन यू आर अलोन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और वो कंपेरेटिवली भी काफ़ी पता लगता है कि जब आप अकेले हो आप कितना कर सकते हो, जब कोई आपके साथ है तब आप कितना कर सकते हो. सो आउटफिट्स का आपने कैसे डिसाइड किया? हैव यू डिसाइडेड कि आप? Yes, I've decided it. मेरा पहले इस पे discussion हो गया और मैं थोड़ा सा particular रहती हूँ कपड़ों को लेकर, because I generally don't like कि मेरी styling खराब तरीके से की जाए. So yeah, I keep my eyes on what I'm wearing and what I'm going to wear tomorrow, today or whenever. तो इस घर के अंदर जाने के पहले तक भी I'm very excited कि क्या हो पा रहा है मुझसे, क्या trendy stuff मैं collect कर सकती हूँ. मैं कर लूँ बस जाने के पहले. Are you ready कि आपका makeup शायद फेंक दिया जाए या क्रश किया जाए? वो सब तो होता है. मेकअप करना नहीं है मतलब या आई एम ओके. कपड़ों का ज्यादा है थोड़ा मुझे कि यार मतलब ठीक है आउटफिट शुड बी नाइस, क्योंकि वो एक थोड़ा सा ना अट्रैक्ट कर लेता है लोगों को कि अच्छा ओके आउटफिट्स आर नाइस. सो अट्रैक्ट तो क्या मतलब आपका ना थोड़ा पर्सनालिटी इनहेंस कर देता है ऑब्वियसली, बिकॉज यही अगर आप एक भी एग्जाम्पल ले लो कि दो लोग खड़े हैं, अब एक ने थोड़ा अच्छे तरीके से ड्रेसअप किया तो ऑटोमेटिकली दैट्स ह्यूमन नेचर कि आपका नजर बार बार उसी पे जाएगा जिस इंसान ने अच्छे से ड्रेसअप किया है. बिल्कुल, बिकॉज स्टैंड आउट होता है. यस यस स्टैंड आउट होता है. सो डेफिनेटली दैट्स माय पॉइंट. लास्टली आपने किसी एक्स कंटेस्टेंट से बात किया है? नहीं मतलब बिग बॉस के टॉपिक पे नहीं, बट या आई हैड अ कन्वर्सेशन प्रियंका, शी टोल्ड मी आई एम गोइंग टू एंजॉय और अच्छा रहेगा सब. बस तू ज्यादा सोच मत एंड डोंट प्लान एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज व्हाटएवर यू आर गोइंग टू प्लान इज नेवर गोइंग टू हैपन व्हेन यू गो इनसाइड. एंड हु हैज बीन दैट वन कंटेस्टेंट जिसकी जर्नी आपको बहुत अच्छी लगी है? मुझे सिद्धार्थ की जर्नी बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज इट वॉज आई थिंक इट वॉज इंस्पायरिंग एंड ही स्टूड बाई हिमसेल्फ. ही नेवर वॉन्टेड एनीबडी टू स्टैंड बाई हिज साइड. एंड इवन डिड यू फॉलो बिग बॉस OTT जो अभी आया था? थोड़ा बहुत. उसमें आपको कौन पसंद? मुझे उसमें अभिषेक की जर्नी अच्छी लगी. आई रियली लाइक्ड अभिषेक्स परफॉर्मेंस. सो Yeah, we wish you all the very best, Isha. And probably हम बात करेंगे जब आप घर के बाहर आओगे. And I hope you come out as a winner. So wish you all the very best and everything in the future. Thank you. Hi everyone. I hope you liked this video. And if you liked it, please do comment, like, share, and subscribe it to Instant Bollywood.